अब कविता का प्रेम का स्वर सुनिए। मैं प्रतापगढ़ से आई कवित्री, लाडली कवित्री है देश की, बहुत शानदार काव्य पाठ करती हैं और आज सीतामढ़ी वो पधारी हैं। मैं शिव कुमार मिश्र के एक दोहे से उनको आमंत्रित करता हूँ कि आलिंगन को तरस रही है चार मीनारे ताज की। मैं चाहता हूँ कि आप आसपास जितने लोग हैं एक बार मुखर होकर इतनी देर आपने माँ को समर्पित कविताएं सुनी है, एक बार प्रेम से समर्पित कविताएं सुनिए, मन में एक लहर पैदा कीजिए, एक जुनून। निवेदन करता हूं कि आलिंगन को तरस रही है चार मीनारे ताज की, आलिंगन को तरस रही है चार मीनारे ताज की, दो बाहें हैं शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की। एक बार जरा जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित कीजिए आदरणीय प्रीति पांडे प्रतापगढ़ से हमारे मध्य। कमजोर तालियां नहीं, इधर से भी कमजोर है, कम से कम अपने वालों के लिए तालियां बजाइए। आदरणीय प्रीति पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काम करती हूँ। इको भैया एकदम कम कर दीजिए, इको रहे ही ना, एकदम कम। अवध प्रांत से माँ जानकी के धाम सीतामढ़ी दोबारा पधारी हूँ। प्रिय भैया प्रशांत बजरंगी के आमंत्रण पर उनका बहुत बहुत आभार, अनहद टीम का बहुत बहुत आभार, मंच पर उपस्थित सभी अग्रज और अनुजों का बहुत बहुत आभार और प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप सभी जो शेष हैं मेरे लिए वही विशेष हैं। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, दादा आपको एक छंद समर्पित करते हुए शुरुआत करती हूँ। स्वागत स्वागत। मिथिला धाम में हूँ, एक छंद माँ जानकी को निवेदित करते हुए। प्रेम की कवित्री हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, तो धीरे धीरे चार चार पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को जोड़ती हुई चल दूंगी, सुनिएगा। स्वागत। कि तुलसी को पूज्य मान दान वर का जो मांगी राम जी को पाके वर दान में समा गई। ओ जनक दुलारी प्यारी राज्य की कुमारी आज रानी बन अवध के मान में समा गई। जानकी ने राम संग आसन लिया जो सात नीति न्याय प्रबल विधान में समा गई। सुख सार वार धार धैर्य महलों का त्याग सिया पिया प्रिया मन प्राण में समा गई। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ। दो दिन बाद स्वतंत्रता दिवस आप सभी के समक्ष आने वाला है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। चार पंक्तियां मैं अपने प्रेम और आप सभी के प्रेम के मना निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत। आप सभी का ध्यान चाहूंगी। मन की सरहद में घूम लेती हूँ। क्या बात है वाह। मन की सरहद में घूम लेती हूँ, इन हवाओं में झूम लेती हूँ। याद जब भी तुम्हारी आती है, याद जब भी तुम्हारी आती है, मैं तिरंगे को चूम ले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तिरंगे बहुत बढ़िया को चूम लेती हूँ। बहुत सुंदर। मैं तिरंगे को चूम लेती हूँ। चार पंक्तियाँ मैं और आप सभी के समक्ष रखती हूँ। माताएं बैठी हुई हैं, अपने समय का प्रेम याद करिए। जब मोबाइल नहीं थी, चिट्ठियाँ नहीं थी, तो किस प्रकार हम प्रेम जाहिर करते थे। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि हर लड़ाई को छोड़े बैठे हैं हम, बड़ाई को छोड़े बैठे हैं, हर लड़ाई को छोड़े बैठे हैं, अब बड़ाई को छोड़े बैठे हैं। यूं रुमा पढ़ाई
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हम पढ़ाई को छोड़ बैठे हैं। चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत, स्वागत। नायिका नायक से मिलकर आई है और नायिका की सहेली पूछ रही है कि क्या बात हुई तुम्हारी। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि वो नायिका क्या बताती है जो नायक से मिलकर आई है, कि घिरते बादल की बात की ही नहीं, घिरते बादल की बात की ही नहीं, आँख का जल की बात की ही नहीं। क्या बात है, वाह। आँख का जल की बात की ही नहीं, वो अंगूठी की बात करता है, वो अंगूठी की बात करता है, उसने पायल की बात की ही नहीं, उसने पायल की बात की ही नहीं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शंकाएं होती हैं और झगड़े होते हैं। एक बार पतिदेव से मेरा झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि हमारी तुम्हारी नहीं बनती है। मैंने कहा किसी पंडित को दिखाइए, शायद कुछ दोष हो तो उनका निवारण हो। पंडित ने जैसे ही कुंडली देखी, उन्होंने मेरे पतिदेव के बारे में सारे शब्द सारी बातें बतानी शुरू की। जब आके उन्होंने मुझे सूचना दी तो मैंने चार पंक्तियाँ निकाली, सुनिएगा। स्वागत, 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 स्वागत। कि मन में है मन चली नहीं देखी, क्या शानदार है, वाह। भावना अध जली नहीं देखी, क्या बात है, वाह। यूं ही कहते हो तुम नहीं मुझ में, यूं ही कहते हो तुम नहीं मुझ में, तुमने मेरी कुंडली नहीं देखी, शानदार, शानदार। तुमने मेरी बहुत बढ़िया, अद्भुत, 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 बहुत आभार। चार पंक्ति और निवेदित करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि हाथों के लकीरों में आपके प्रेम का नाम छिपा रहता है, आपका प्रेम छिपा रहता है। मैं चार पंक्ति और निवेदित करती हूँ। कि चाल मन की तो मीत धीरे है, पांव गंगा के घाट तीरे है, बस मेरे हाथों में जो लकीरें हैं। चार पंक्ति और निवेदित करती हूँ। अब तो मोबाइल से मैसेज होता है, बात होती है। एक समय था जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तब आप सभी को उस तरफ लेकर चलती हूँ कि जब प्रेम होता था और किस तरह संदेशा भिजवाया जाता था। ध्यान दादा सुनिएगा, कि भाव पढ़ लो कि जिस तरह भेजे, दो तरीका तो उस तरह भेजे, तुम परिंदों को कैद रखते हो, तुम परिंदों को कैद रखते हो, पत्र भेजे तो किस तरह भेजे, पत्र भेजे तो किस तरह भेजे। मुझे देखकर अगर आपको आपके सनातन सभ्यता और संस्कृति का भान हो तो एक बार तालियां देकर आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पंक्ति और निवेदित करती हूँ। कभी कुछ
कुछ लोग सलाह देते हैं कि इस तरह का आप वेशभूषा धारण करिए, लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, इस तरीके की नोक झोंक करिए तो ज़्यादा पसंद करेंगे। आज आप सभी के समक्ष काव्य पाठ करके ऐसा महसूस होता है कि सनातन धर्म में पगी हुई नारी किसी भी तरह से अगर सनातन सभ्यता से आगे बढ़ रही तो आप सबका आशीर्वाद और स्नेह बराबर उसको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियाँ मैं और निवेदित करती हूँ। किले के करवट उतर नहीं सकता, खोल कर पट उतर नहीं सकता, लोग कुछ भी कहे सुने लेकिन लोग कुछ भी कहे सुने लेकिन मेरा घूंघट उतर और निवेदित करती हूँ। जब एक कवित्री को प्रेम होता है किस तरह प्रेम का इजहार करती है, कि बात सावन की रस भरी रख लो, अपने अधरों पे बांसुरी रख लो, मुझको बस पात्र गुलाबी देकर निवेदित करती हूँ। युवा पीढ़ी है ये पुस्तक, मैं आप सभी को निवेदित करती हूँ। स्वागत है। कि मन गुलाबों सा खिल बना लेना, साथ मुझसे ही मिल बना लेना, चूम कर मैंने भेज दी मेहंदी, चूम कर अपने हाथों पे दिल बना लेना, अपने हाथों पे दिल बना लेना, बहुत बढ़िया, अपने हाथों पे दिल बना लेना। बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियां मैं और निवेदित करती हूँ। धीरे धीरे आपको एक छोटे से गीत की तरफ ले जाऊंगी। ज्ञान दादा नवल जी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक मुक्तक निवेदित करती हूँ कि जब भविष्य चुनने का समय आता है तो ऐन उसी मौके पे प्यार हो जाता है, उसके बाद फिर कैरियर का बंटा धार हो जाता है। मैं चार पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि कांटों में गुलाबों में तुम ही तुम दिखते हो, कांटों में गुलाबों में तुम ही तुम दिखते हो, सोऊं तो ख्वाबों में तुम ही तुम दिखते हो, करनी है क्लियर मुझको यूपीएससी लेकिन, करनी है क्लियर मुझको यूपीएससी लेकिन, क्या करूं किताबों में तुम ही तुम दिखते हो, क्या करूं किताबों में तुम ही तुम दिखते हो। बहुत वाह 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 वाह।